14 का क्या आएगा? 6 ए माय नेम इज हुसैन। सर ये सोचते हैं कि हम सर के मन पे ये भावना है कि ये जो ये बच्चे इन्हें मैं कुछ बना के जाऊँ, हमारे लिए बहुत सहायता करते हैं सर। अगर वो डीएम सर अभी होते ना, हम अच्छे से स्कूल पे पढ़ते हैं, यहाँ पे लाइट भी लगी होती, पानी वानी सब की सुविधा होती। सर हमारे यहाँ हमारे जनपद में पूर्व जिलाधिकारी श्री आंजने कुमार सिंह रहे थे, उन्होंने यहाँ एक सेमिनार का आयोजन किया था, उसमें उन्होंने कुछ प्रेरणादायक बातें कही थी, उनसे मुझे प्रेरणा मिली और मैंने इन बच्चों को पढ़ाना शुरू किया। ये लगभग हैं 70-80 बच्चे हैं लगभग, और मैं विद्यालय के बाद, विद्यालय की छुट्टी होती है उसके बाद मैं यहाँ आता हूँ। ये बच्चे पढ़ने आते हैं, झुग्गियों में रहते हैं यहीं पर, इनके पास बहुत सारी बुनियादी सुविधाओं का अभाव है, साफ़ पानी भी नहीं है, रहने की जगह भी ठीक नहीं है, चारों तरफ गंदगी है, सब कुछ है, लेकिन पढ़ाई का इनमें जज्बा है जो इन्हें आगे लेके जाएगा। बाकी मैं अपने घर से ही, मैंने स्कूल टाइप से बनवाया, पहले बच्चे खुले में पढ़ते थे, तो मैं ये सब व्यक्तिगत रूप से कर। रिंकू सिंह कहते हैं कि वो खुद एक शिक्षक हैं जो कि सरकारी विद्यालय में पढ़ाते हैं, साथ ही यहाँ अपना पूरा समय वो देते हैं, जिससे ना सिर्फ ये बच्चे खुश हैं बल्कि वहीं इन बच्चों को मिल रही है प्रेरणा कुछ कर गुजरने की। श्रीपाल तेवतिया, ईटीवी भारत, बुलंदशहर।